हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है एस डी अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है, उसके साथ साथ पूरे देश में ऑक्सीजन क्राइसिस भी दिखने को मिल रहा है। हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए बेड मिलना मुश्किल हो जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक ऑनलाइन पोर्टल चालू किया है, इंटीग्रेटेड कोविड मैनेजमेंट सिस्टम। यहां से आप घर बैठे वेस्ट बंगाल के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कौन से हॉस्पिटल में कितना बेड अवेलेबल है चेक कर सकते हैं। बेड अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा, उसके बाद हॉस्पिटल टाइप यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट रिक्विजिशन, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। लिस्ट आ गया है। इस हॉस्पिटल में कोई बेड खाली नहीं है, इसलिए रेड कलर है। इस हॉस्पिटल में जैसे देख सकते हैं एक फीमेल बेड खाली है, इसमें टोटल 50 बेड खाली है, इसमें 93 बेड्स खाली है। व्यू डिटेल ब्रेकअप में क्लिक करने से और भी डिटेल्स में दिखाया जाएगा, रेगुलर कोविड बेड्स विथ ऑक्सीजन सपोर्ट, एचडीयू बेड्स, सीसीयू बेड्स। ये डेटा कब अपडेट हुआ है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका पेशेंट कोविड पॉजिटिव है और आप उनको इस हॉस्पिटल में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो फिल ऑनलाइन फॉर्म फॉर एडमिशन, इसमें क्लिक कीजिए। कोविड टेस्ट के दौरान आपने जो मोबाइल नंबर यूज किया था उसको यहाँ पे एंटर करके ओटीपी द्वारा वेरीफाई करके एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, और कोई भी जानकारी के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। थैंक यू।